हेलो फ्रेंड्स, तो अभी जो घोर तपस्या हैं वो दे रहे हैं हमारी गायों को, क्योंकि उसको 3 बजे देते हैं दोपहर के और शाम को 6 बजे मिल्किंग करते हैं। अभी 3-4 बजे हैं तो 4 बजे देते हैं। अभी खोर डाल रहे हैं, पहले कपस्या और जो आटा था वो मिक्स कर दिया है। तो अभी दोनों गाय को दे देंगे। ये है हमारी छोटी गाय, जो उसको अभी ये देंगे ऊपर को, और सामने है हमारी बड़ी गाय। तो दोस्तों, अभी ये पशु के पीने के लिए जो टंकी है पानी की, वो साफ कर रहे हैं। इसमें से अभी पानी निकल दे रहे हैं। ये 15-20 दिन में साफ करनी पड़ती है, क्योंकि ये जो पेड़ है उसके पत्ते गिरते हैं, इसमें सभी मोर और पत्ते। तो इससे घिसते हैं, जो पूरी तरीके से जो सेवाड़ है वो निकाल देता है। सेवाड़ पानी और धूप की वजह से बनता है। इसमें मेन तो ये जो धूल मिट्टी आती है वो है, जो पानी को बिगाड़ देती है, फिर सेवाड़ बनता है वो। ये दोनों चीज़ चाप करनी होती है। तो अभी साफ हो गई है, पूरी साफ नहीं करते, थोड़ा सा तो रह जाता है, लेकिन 10-15 दिन में फिर से साफ कर देंगे पानी निकाल के। तो अब पानी भर देंगे इसमें और फिर पशुओं को पिलाएंगे, क्योंकि अभी पिलाया नहीं है पानी, क्योंकि टंकी साफ करनी थी इसलिए। इसने पानी स्टार्ट कर दिया है। अब ये पानी हमारे दूसरे खेत से आता है, हम थोड़ा थोड़ा चालू रखते हैं यहाँ पर पानी, क्योंकि दूसरे खेत जाता है पानी, वहाँ से आता है। और यहाँ पर सफाई हो रही है जो घर पर है। टाइगर आ गया। तो खेत में से भी जो कचरा होता है वह यहाँ पे आता है।
दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। मेरा वीडियो अच्छा लगता है आपको, अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और या कमेंट तो कीजिए यार, तो मुझे अच्छा लगता है बहुत। और पीछे मेरी मम्मी है जो अभी जो इवनिंग का काम होता है सभी पशु का वो कर रही है, तो बैलों को भी बाहर। तो चलिए दोस्तों अभी मैं बताता हूँ जो ट्रैक्टर के सब औजार होते हैं वो सब। तो ये पीछे ओरणी है जो पाड़ बनाने में और गेहूं बोने में काम आती है। हम इससे गेहूं ही बोते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं करते। तो सब मैं बताता हूं, चलिए। तो ये ओरणी होती है, ये आगे से पाड़ बनती है और इस तरफ जो खातर होता है वो आता है इस खाने में, और इस खाने में गेहूं आते हैं और इसको हम डांडवा बोलते हैं। तो ये सात पाटली की ओरणी है, इसमें से पांच पाटले की भी ओरणी बन जाती है। और आगे है माट बोलते हैं जिसको, यहाँ पे जो खेड़ करने के बाद लगाते हैं ज़मीन को समतल करने में। तो ये फोल्डिंग वाला होता है, तो इससे ये ऐसे घूम जाता है तो लंबा हो जाता है माट। आठ फुट का माट है और इसको हम टिपिया बोलते हैं, जो मूंगफली के भर बनाते हैं उसको उठाने में काम आता है। और सब में हमने पेंट किया है, ये माट में और टिपिया में। और आगे यहाँ पे है ट्राली जो बालाजी की है, इसमें भी सब में पेंट किया है। सब साधन है ट्रैक्टर के जो जिसमें पेंट किया है। और ये ऊपर का जो पाटिया है वो अलग से, ट्रॉली में ज़्यादा सामान आ जाए इसके लिए ये पाटिया अलग से लगाना होता है, जो गेहूँ भरने में काम आता है। तो इसको हम सुपड़ा बोलते हैं। अगर ये निकाल दें तो ये राब बन जाती है, तो इसमें भी पेंट किया है। और आगे है ओपनर, वो भी मैं बताता हूँ। तो ये पीछे जो ब्लू कलर का है वो ओपनर बोलते हैं, और ये जो नीले कलर का है उसको हम मशीन बोलते हैं। तो इसमें भी पेंट किया है और ये दृश्य बनाया है, जो सौंदर्य है कुदरती दृश्य, किसान थ्रेसर मशीन है। और इसको हम रसा बोलते हैं यहाँ पे। तो इससे ये ऊपर नीचे होता है इस तरीके से। तो गाइस हमने ये लगाई थी कलम जो मैंगो ट्री की है, तो इसमें अभी चार जो कैरी बोलते हैं मैंगोज आई है, अभी तो छोटी है, छः महीने हुए हैं इसको लगाए हुए, तो दो तीन साल में इसमें मैंगोज आने लगेंगी। और ये है रोटरी टिलर जिसको लोटा वोटर बोलते हैं यहाँ पे, शक्तिमान कंपनी का, 5.5 फुट का। तो ये जो सख्त मिट्टी है उसको नरम बनाने में काम आता है। नीचे इस तरीके की ब्लेड होती है, तो इसमें भी पेंट करवाया है, सभी साधनों में पेंट करवाया है हमने। और ये ऊपर जो रूफ है पत्रा बोलते हैं, इसमें भी पेंट करवाया है, जो नया मकान है वो। ये बैलगाड़ी है और इसको हम विथ बोलते हैं यहाँ पर, तो इसमें भी ब्लैक पेंट करवाया है। और ये जो है पत्रा डलवाया है नया, क्योंकि वो पुराना होता है तो वो बिगड़ गया है। और सामने मेरे चाचा ट्रैक्टर चला रहे हैं, तो ट्रैक्टर भी नया ही लिया है इस साल। ये जो ओपनर बताया था उसमें यह पानी भरने के लिए काम आता है, इसको यहाँ पर छांव में रख दिया है क्योंकि बिगड़ ना जाए इसलिए। और इसको छवड़ा बोलते हैं, एमबी प्लाव। तो यहाँ से ये खींचने पर ये घूम जाते हैं, यहाँ खींचते हैं तो इस रस के द्वारा यहाँ से ये पिन निकल जाती है, ये जो है वो, तो घूम जाते हैं। इसमें ये नुकीली चीज़ होती है जिसको कही बोलते हैं, इसके द्वारा जमी को ये चीर देगा।
दो नीचे होते हैं, दो ऊपर होते हैं। घूमने के बाद ये जो ऊपर के होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, वो नीचे के होते हैं ऊपर आ जाते हैं। और ये जो बेल के साधन हैं, बेल में इसमें जुते हैं आगे बेल, और ये हल बोलते हैं इसको। अभी इसका कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता है कोई, क्योंकि अभी बैल भी इतने नहीं होते तो कोई हल चलाता भी नहीं है। अभी तो ट्रैक्टर आ गए हैं तो वो सब साधन हो वो चलाते हैं। और यहाँ पर जो ये कई बोलते हैं वो आती है, जो नुकीली चीज़ होती है, तो अभी तो निकाल दी है, फिर जब चलाना हो तब डाल देते हैं फिर से। ये है बैलगाड़ी का पहिया जो अभी बिगड़ चुका है, और ये उसके ऊपर की रिंग है। ये तिल लगाए थे तो तिल भी निकल आए हैं। ये तिल है जो ये दो पत्ते वाले दिखाई दे रहे हैं आपको, ये अभी निकल रहे हैं थोड़े थोड़े। ये सब तिल है, दो पत्ते वाले हैं वो। और अभी थोड़े से छाने और बनाए हैं, अब ज़रूरत नहीं है तो इतने ही बनाएंगे, फिर नहीं बनाएंगे। और अभी इवनिंग का टाइम है तो क्लीनिंग कर रहे हैं सब। जो पशु होते हैं वो चारा बिगाड़ते हैं इस तरीके से, और गोबर करते हैं, वो सब उठाना पड़ता है। तो यहाँ पर है मेरी मम्मी जो क्लीन कर रही है, फिर मिल्किंग करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और एक कमेंट भी कर देना यार तो मुझे अच्छा लगता है, मैं कैसा वीडियो बनाता हूँ आप कमेंट में कर। बुरा लगता है वो भी बताएं ना, क्योंकि जो बुरा लगता है वो हम फिर बाद में चेंज कर देंगे, तो वीडियो में थोड़ी इम्प्रूवमेंट आएगी थोड़ी सी। तो अभी ये सब क्लीन करना पड़ेगा, और इसको उठा के जो उकड़ा बोलते हैं उसमें डालना पड़ेगा। तो ये इतनी सारी जगह सुबह और शाम में दोनों टाइम में क्लीन करनी पड़ती है, तो बहुत हार्ड वर्क होता है यहाँ पे। और खेती का काम है वो तो अलग होता है। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा उतावला हो रहा है उसकी माँ का दूध पीने के लिए, तो बहुत क्यूट बछड़ा है। अरे क्या जाऊँ, देखो आपको कितना क्यूट लग रहा है कमेंट में बताना। बीट न गाजर खाई ना और तो दोस्तों अभी ये खाने लगा है बीट गाजर, जो मांडविया का जो भूसा होता है वो सब सूखा चारा। तो अब उसको दूध कम चाहिए होगा, पहले तो सिर्फ दूध ही पीता था, अब तो सब खाने लगा है, तो वो अच्छी बात है। गाजर बीट छोटी छोटी जो पीसीस होते हैं वो करके हम देते हैं इसको, गई है अभी इसमें, पहले तो उतनी ताकत नहीं थी, अब तो बहुत भागता है, पकड़ भी नहीं सकते। दोस्तों अभी 6 बज गए हैं तो मिल्किंग का टाइम हो गया है।
तो अभी मेरी चाची जो हमारी छोटी वाली गाय है उसका मिल्किंग कर रहे हैं। तो पहले तो आंचल को धोना होता है, तो अब मिल्किंग स्टार्ट हो गया है। फिर हमारी दूसरी गाय है उसका और भैंस का मिल्किंग करेंगे। मैं अभी गाय का मिल्किंग करूँगा जो हमारी बड़ी वाली गाय है उसका। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो ये गाय भी हमारी 6-7 लीटर दूध करती है अभी। तो यहाँ पर है टाइगर। थोड़ा मान दो भाई।